जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज एडमिशन के बारे में। आप सभी को पता है आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कॉलेज में एडमिशन लिया यानी कि आपने ऑनलाइन फीस भर दी, ठीक है, फीस भरने के बाद में जो रिसिप्ट होती है ना, उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करना भूल गए या आप उसका प्रिंटआउट निकालना भूल गए। तो अब आपने जब फीस भर दी तो फीस भरने के बाद उसका रिसिप्ट यानी कि डुप्लीकेट रिसिप्ट फीस का, वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम एमपी के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। आपने ई प्रवेश से एडमिशन लिया होगा कॉलेज में, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज में। तो आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई प्रवेश के माध्यम से अगर एडमिशन लिया है और अगर आपने अपनी फीस रिसिप्ट यानी कि डुप्लीकेट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाई है तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ये आखिरी मौका है आपके पास में 31 दिसंबर तक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो फिर इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब कैसे डाउनलोड कर दिए पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ई प्रवेश की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको आपने यहाँ से एडमिशन लिया होगा, आपको याद होगा। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद क्या होगा कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यूजी के स्टूडेंट हो चाहे आप पीजी के हो, दोनों पर सेम इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको दो लिंक दिखाई देंगे यहाँ पर डाउनलोड करने के। यहाँ पर 30 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई, 30 जो अभी मैंने 31 बताया था वो 30 है। आप चाहें तो इस वाले लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे अपनी पेस रिसिप्ट को, चाहे आप इस वाले लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट वाली लिंक से डाउनलोड करना, क्या सेकेंड वाली लिंक से कभी कभी डाउनलोड नहीं हो पाता, एरर आ जाता है। तो फर्स्ट वाली लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डाल देना, कैप्चा कोड डाल देना, व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर देना। ये सभी काम होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको मैंने कुछ ब्लर किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट नहीं निकाल पाई और उसे डाउनलोड करना है वो भी यहाँ से प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। आपने किस राउंड में एडमिशन लिया था वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन किस राउंड में किया था वो दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे अपना अलॉटमेंट लेटर, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अलॉट एडमिशन प्रिंट, आपने जो एडमिशन प्रिंट यानी कि जो 1000 रुपये सबमिट किया होगा प्लस एनरोलमेंट चार्ज, या आपने किसी योजना का लाभ लिया था तो 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट किया होगा, ठीक है। अगर उसको डाउनलोड करना है तो इस वाले लिंक से डाउनलोड होगा एडमिशन प्रिंट वाले, और लेकिन आपका जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो इस वाले लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर दोस्तों कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एडमिशन रिसिप्ट को डाउनलोड करके रखना, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर कोई काम का नहीं रहता है अगर आपने अपनी फीस जमा कर दी है तो। यहाँ पर वेरिफिकेशन रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मतलब की नहीं है, हमें केवल एडमिशन प्रिंट की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके रखनी है और किसी भी प्रकार की रिसिप्ट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एडमिशन ही हो गया तो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, वेरिफिकेशन रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर रिसिप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल हमें एडमिशन रिसिप्ट से मतलब है। तो इसको आप डाउनलोड करके रख लेना अपने पास में, लगभग 5-6 प्रिंट अपने पास में डाउनलोड करके रखना, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी ईयर में ही हमें काम आने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना, मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।